तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं हूं मंतो चक्रवर्ती और आज मैं एक वीडियो लेके आया हूं। लास्ट टाइम भी एक वीडियो देखा होगा मैंने, कुछ बुक्स के बारे में बताया था जिसमें बिजनेस से रिलेटेड सारी बुक्स थी। ट्रेडिंग एक्चुअली वो पूरा ट्रेडिंग पर डिपेंड था, सारी बुक्स थी। एक कैटेगरी बना रखी थी मैंने ट्रेडिंग से। अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है आजकल, वैसे ट्रेंड में चल रहा है ये ट्रेडिंग, ठीक है। काफ़ी लोग जॉब नहीं कर सकते या बिजनेस नहीं कर सकते, तो स्मॉल अमाउंट में अपना पेमेंट इन्वेस्ट करके वो ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग से लाखों रुपए कमा रहे हैं एक्चुअली में। वो भी अंडर 18 तक बच्चे कमा रहे हैं, खासकर ये गुजरात साइड तो बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रेडिंग चल रहा है, ठीक। तो उनके लिए जो नए नए ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं या कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको एक गाइड, एक शिक्षक या ग्रुप की ज़रूरत होती है, जिससे वो अपने काम में को फोकस कर सके या फिर कोई अड़चन आए, परेशानी आए, तो उसका सॉल्यूशन मिल सके। वैसे एक बुक है जो यूनिवर्सली ट्रूथ है, उसमें सारे परेशानी का सॉल्व मिल जाता है, वो है भागवत गीता, जो मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ और पढ़ता भी हूँ, ठीक है। ये भागवतम, इसमें वैसे तो सबका सॉल्यूशन है, ठीक है। अब कुछ लोग, ये तो हो गए सम कास्ट पे डिपेंड करता है, कोई कोई पढ़ना नहीं चाहता है, बट मैं ये तो यूनिवर्सल बुक है, बट मैं इससे भी एक अलग किताब बता रहा हूँ जो सब पढ़ सकते हैं, उसमें कोई कास्ट रिलेटेड ही नहीं है कुछ भी। तो वो है ये बिजनेस पे पूरे, ये पूरा है 6 बुक का सेट है, ठीक है। अब ये क्या है, पहले तो पैकेजिंग देख सकते हो, ये मैं सेल करता हूँ आपको ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, सब पे मिल जाएगा। और परचेज करना है लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर सकते हो। और भी नए नए प्रोडक्ट है वो भी चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल अभी बात कर लेता हूँ मैं इस बुक की, ठीक है। तो पैकेजिंग चेक कर सकते हो, कैसी पैकेजिंग में देता हूँ मैं। तो पूरा मैंने पन्नी से रैप कर रखा है, बबल रैप तो नहीं है, वैसे पन्नी से रैप है। प्लस उसके ऊपर मिल जाता है ये 5 स्टार का रेटिंग का। अगर आप कुछ भी परचेज करो, किसी से भी सेलर से परचेज करो, तो उसको रेटिंग देना मत भूलना। अगर उसको प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, खराब है, तो भी उसको 5 स्टार रेटिंग देना। क्यों? उससे उसको मोटिवेशन मिलती है। मैं एक सेलर हूँ, मैं बता सकता हूँ क्या फीलिंग आती है। अगर आप कोई भी परचेज करते हो प्रोडक्ट, उसको 5 स्टार रेटिंग देना, बट रिव्यू में करेक्ट बात लिखना, जो आपको जैसा आपको अच्छा लगा प्रोडक्ट। क्योंकि अगर कोई दूसरा बंदा परचेज करेगा तो वो रिव्यू पढ़ के ही परचेज करता है, बट रेटिंग आप उसको 5 स्टार ही देना, जिससे उसको मोटिवेशन मिलेगी और अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट सेल करने की। मैं भी यही कामना करता हूँ। अगर आप परचेज कर रहे हो किसी से और से भी, तो 5 स्टार रेटिंग ज़रूर देना, बाकी वो आप पे डिपेंड करता है। तो हाँ, इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। फिलहाल सिंपल है, कुछ नहीं है, ये रैप खोल लिया, ठीक है, ये खोल लिया, तो ये आ गया, ठीक है। अब एक एक करके इसके बारे में बताता हूँ। और बहुत ही मस्त बुक है, वैसे इसको मैंने थोड़ा सा पढ़ा था और मन कर रहा था, बट टाइम नहीं मिल पा रहा है पढ़ने का पूरा। ये तो पहले तो 5 स्टार के रेटिंग का आ जाता है, ठीक है। उसके बाद एक एक किताब के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये है कॉपीकैट, ठीक है। फ्रंट कैमरा शूट कर रहा हूँ इसलिए ये वर्ड्स पूरे उल्टे दिख रहे होंगे। तो इसमें आपके दौलतमंद बनने की राह, ठीक है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने की राह। इतनी पतली सी बुक है, इतना तो कोई भी पढ़ सकता है। आजकल काफ़ी मोटी मोटी बुक्स आती हैं, जैसे कि ये देख सकते हो, इतनी मोटी मोटी बुक। पहले तो मोटी बुक देख के हर कोई डर जाता है कि इतनी मोटी बुक के पढ़ेंगे कब, कम नहीं पढ़ेंगे। तो उनके लिए, उन आलसियों के लिए ये किताब चेक कर सकते हो, कितनी पतली है, इतनी थिकनेस है इतनी, ठीक है। और इसमें मेन है, और हिंदी में इंग्लिश में दोनों अवेलेबल है, ये हिंदी का दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसमें डिटेल में बता रखा है, और शॉर्ट में ही बता रखा है डिटेल में बता रखा है। अब वो कैसे शॉर्ट और डिटेल एक साथ ही कैसे बता रखा है वो मैं बताता हूँ अभी। लाले एक दो पेज खोलता हूँ इसके, एक कहाँ गया, हाँ। और बाकायदा इसमें ग्राफ के साथ भी समझा रखा है। मैं इसे रैंडमली कोई पेज खोल लेता हूँ, जैसे कि ये, अच्छा मैं रैंडमली कोई पेज खोलता हूँ, जैसे कि ये पेज, ये मैंने बिजनेस, अच्छा ये तो कुछ और ही खुल गया, हाँ ये कहाँ खुल गया, हाँ ये जैसे कि ये खोल लिया, ठीक है। अभी शॉर्ट और लॉन्ग में कैसे बता रखा है, शॉर्ट में ऐसे बता रखा है, सब में हेडिंग दे रखी है, जैसे कि ये हेडिंग हो गई, एक ये हेडिंग हो गई, ठीक है। और कौन से पेज, हाँ जैसे कि ये हेडिंग हो गई, और जैसे कि ये हेडिंग हो गई, जैसे कि ये हेडिंग हो गई, ये हेडिंग हो गई, तो हाँ ये सारी हेडिंग है। जो हेडिंग है ना, वो हो गया शॉर्ट में, और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन कर रखा है डिटेल में, सिंपल। अभी ये हेडिंग है क्या, अब जैसे कि ये एक है, इसमें लिख रखा है लिवरेज के बारे में सबक, ठीक है। ज्ञान पहला कदम है, ये शॉर्ट शॉर्ट में,
ठीक है, और क्या क्या है, समय और जगह की लिवरेजिंग, ठीक है। लिवरेज क्या है, ये शॉर्ट और लॉन्ग में दे रखा है, तो ये 101 पॉइंट है, ठीक है, आपकी मार्केटिंग के डिपेंड। तो ये तो क्या कॉपी कैट, इसको हटा देते हैं हम। अब ये सवाल ये जवाब है, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेता हूँ। इसके बुक के नाम से समझ में आ रहा होगा कि हमें क्या करना चाहिए। आपका जो सवाल है, आपका जो क्वेश्चन है, आपके जो बिजनेस में परेशानी आ रही है, तो उसी सवाल में उसका सॉल्यूशन है। अगर आपका ये काम नहीं हो रहा है तो कैसे होगा, वही उसका जवाब हो जाएगा। बस फाइंड करने की जरूरत, बस थोड़ा सोचने पर डिपेंड है। नेटवर्क मार्केटिंग में हाँ तक कैसे पहुँचे, अब इसमें भी दे रखा है सेम बिल्कुल, और ये भी बिल्कुल पतली सी। अब इसमें एक ग्राफ दे रखा है जो मैंने अभी भी देखा, मैं समझाता हूँ। बर्फ पिघलाए, सही बटन खोजे, सही बटन दबाए, सौदा पक्का करे, और बर्फ पे, हाँ, चार स्टेप दे रखे हैं। इसको डिटेल में पढ़ सकते हो, चेक करो। ये लिख रखा है बर्फ पिघलाए, ठीक है। अच्छा हाँ, ये क्या एग्जांपल दे रखा है मस्त वाला। अब इसमें क्या दे रखा है, एक चाबी है जो बर्फ से ढकी हुई है, ये चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसने ये एग्जांपल दे रखा है शॉर्ट में, ये पहले तो बर्फ पिघलाओ, ठीक है, उसके बाद ये क्या लिख रखा है, सही बटन खोजे, सही बटन खोजना है, फिर उसके बाद सही बटन दबाए, अब सही बटन दबाना है, और उसके बाद सौदा पक्का करें। तो वही सेम है, बर्फ पिघलाए मतलब पहले एक अच्छा कस्टमर ढूंढने, यही सब डिटेल में दे रखा है, और कितने अच्छे तरीके से समझा रखा है। ये भी कितनी पतली सी किताब है, सवाल ही जवाब है, ये भी चेकआउट कर सकते हैं, पूरा कॉम्बो आता है। और हाँ, किसी को अगर सिंगल बुक खरीदनी है, जैसे कि मान लो आपको बस ये कॉपी कैट ही कॉपी कट खरीदनी है, तो वो भी परचेज कर सकते हैं, वो भी मिल जाएगा सिंगल, अमेजोन फ्लिपकार्ट मीशो सब पे मिल जाएगा। तो सवाल जवाब भी हो गया। आप पढ़ते द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन, ठीक है, ये बुक एक्चुअली मैंने भी नहीं पढ़ी अभी तक, ये स्टार्ट करूँगा। मैंने सिर्फ अभी दो ही बुक पढ़ी है, और एक और किताब है अभी दिखाऊंगा, तो ये भी पढ़ सकते हो, उसके अंदर भी काफ़ी मस्त है, सारे बिजनेस से रिलेटेड है, कोई भी डिफरेंट चीज़ से रिलेटेड नहीं है। पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन, नई अर्थव्यवस्था, अतिरिक्त आमदनी का स्वास्थ्य सौता, और कैसे बनाए, ठीक है, ये भी बुक पढ़ सकते हो। अब थर्ड वन है आपका सपना किसने चुराया, ये रहा ये बुक, इसकी बात करूँ मैं, आपका सपना किसने चुराया, हु स्टोल योर ड्रीम। इसके अंदर क्या क्या है वो मैं देख लेता हूँ, वैसे मैंने देखा नहीं है। सबसे बड़ा फार्मूला, तो ये थर्ड फोर्थ बुक है द पैरा, आपका सपना किसने चुराया, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ये भी बिजनेस से रिलेटेड है, सारी बुक बिजनेस से रिलेटेड है, चेकआउट कर सकते हो। और काफ़ी अगर किसी को पता हो इसके बारे में तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और वर्क हैजेस ने इस राइटर है इसका, ठीक। अब हाँ, ये दो बुक मैं पढ़ चुका हूँ, इसके बारे में बता सकता हूँ मैं, बातों ही बातों में काम की बात, ये बुक का नाम है बातों ही बातों में काम की बात, ठीक। काफ़ी मस्त बुक है वैसे, और सबका साइज़ बिल्कुल पतला है, तो मोटा तो है ही नहीं, बिल्कुल शॉर्ट में बता रखा है, और इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे कि इसके अंदर बातों ही बात में कामों की बात, ठीक है। कर्म करो और फल पाओ, जैसे कि ये दे रखा है, कर्म करो और फल पाओ, कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है, सीखना और आगे बढ़ना, ऐसे छोटी छोटी बातें बता रखी है, ठीक है। अब ये आ गया लास्ट बुक जो मैं पढ़ चुका हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है, और इसका राइटर इतना फेमस है ना, पहले तो राइटर के बारे में बात करता हूँ। इसका राइटर का नाम है रिच एंड डैड, ठीक है, रिच एंड डैड नहीं, ये रॉबर्ट टी कियोशाकी, हाँ ये कियोशाकी, रॉबर्ट टी कियोशाकी है, जिसने रिच डैड और पुअर डैड भी लिखा है, ठीक है। काफ़ी फेमस किताब है, और एक ही टाइटल बहुत फेमस होता है, रिच डैड पुअर डैड, ठीक है। वो बुक भी मेरे साथ अवेलेबल है अभी, बट हाँ अवेलेबल है मेरे पास, लेकिन इसकी बात करता हूँ, ये इसका राइटर भी सेम वही है जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड लिखा है, तो ये बुक भी बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन उन्होंने ये बुक रखा है बिजनेसमैन वालों के लिए भी, और रिच डैड पुअर डैड भी बिजनेस के रिलेटेड ही है, थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छी किताब है। फिलहाल अभी बात कर लेता हूँ इसका, बिजनेस स्कूल, तो ये पूरा चलता फिरता स्कूल है, साइज देख सकते हो, बिल्कुल पतला सा है, पढ़ने में तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली, और बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में दे रखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, ठीक है। ये आपका चलता फिरता स्कूल है बिजनेस रिलेटेड, तो आप चेकआउट कर सकते हो ये इसको भी। तो यहाँ पे हो गई 6 किताबें, इनको कैसे लगाऊँ, हाँ ऐसे करके, ये हो गया और ये हो गया,
और ये हो गया, तो ये मंगा सकते हो आप, ठीक है, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजोन मीशो पे कहीं भी मिल जाएगा ये बिजनेस रिलेटेड किताब। तो बस इस वीडियो में से, अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो और अच्छा लगा हो वीडियो, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी मस्त जानकारी के साथ और अच्छे वीडियो के साथ। बाय बाय, आज के लिए उसने बाय बाय।